जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक सांसद रामस्वरूप शर्मा की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय सभागार मंडी में आयोजित की गई। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी के समय में मनरेगा के तहत बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में प्रदेश में बाहरी राज्यों से वापस आए 90,000 लोगों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 48 करोड़ रुपए खर्च कर रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक में सांसद निधि के खर्चे के ब्यौरे के अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना और डिजिटल इंडिया सहित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। दिशा की बैठक आज संपन्न हुई, जिसके माध्यम से केंद्र द्वारा प्रायोजित जो स्कीमें हैं, योजनाएं प्रदेश में चली उनकी समीक्षा की थी। तो आज वो बड़ी अच्छी बैठक संपन्न हुई है और तमाम केंद्र की योजनाओं को धरातल पर लागू करना, हमारी प्रदेश की सरकार माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में बनी सरकार उन योजनाओं को सही तरीके से जिस तरह आज उनका कार्यान्वयन कर रही है उसके लिए मैं भाजपा सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। दूसरा जो सबसे बड़ा काम था इस कोरोना महामारी में मनरेगा, आज उस काम की से जिस तरह पूरे प्रदेशवासियों को और इस कोरोना महामारी में जिस तरह रोजगार देने की बात थी, शानदार उपलब्धि मनरेगा कार्य की रही है। लोगों को काम देना और लोगों को जो बाहर से प्रवासी जो हमारे बाहर से जो लोग हिमाचल आए हैं उनको रोजगार देने में बहुत बड़ी पहल और बहुत बड़ी ज़्यादा धनराशि यानी 48 करोड़ का 90,000 रुपये लोगों को काम मिला। 48 करोड़ खर्च करके यानी 90,000 लोगों को भी काम मिला, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि रोजगार की कमी थी, कोरोना महामारी थी। तो मैं केंद्र सरकार का माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि इस योजना से हिमाचल प्रदेश को बहुत लाभ मिला है, खासकर उन मजदूरों को जो विस्थापित होकर आए थे। तो ये बड़ी उपलब्धि। और दूसरा वो केंद्र की योजना थी, चाहे उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ये पेंशन योजना, जितनी भी सारी स्कीमें थी उसकी समीक्षा की गई और जिसमें कोई कमियां रह गई उन वहाँ अधिकारियों को आग्रह भी किया गया कि उन कमियों को दूर करें। तो आज यही बैठक संपन्न हुई।